किसान जथेबंदियां और केंद्र दी सरकार दे विचकार टेबल ते सुखत वातावरण दे अंदर बातचीत शुरू हो चुकी सी। 13 तरीक नूं पहला दौर 7 घंटे की गलबात हुई। मैनूं लगदा है कि उस वेले जथेबंदियां नूं अपने अंदोलन नूं थोड़ी देर लई विश्राम देना चाहीदा सी। ये उहदे च ही तय होया सी कि एक दौर च नहीं, दो बारी, तीन बारी, जिन्ने बारी बैठना पेगा, केंद्र दी सरकार बैठन नूं तैयार है और किसानां दे मन च जिहड़ियां शंका शुभा हैगे ने जिहड़ियां उहनां दीआं नूं दूर कीता जाएगा। किते ना किते शरारती तत्व जिहड़े पंजाब दा जां इस देश दा दी अमन और शांति जिहड़ी है उहनूं देखना नहीं चाहुंदे। केंद्र सरकार तां बुला ही रही है बार बार, तो इस करके मैं लगता उन्होंने स्वरूप बदलना चाहिए और राजनीतिक पार्टियां नूं रोटियां ना सेकन देन ऐसा वातावरण पर। साढ़े जिहड़े कानून तीन आए हैं उन्होंने तो उहदे च की अंतर है, ये कोई कांग्रेस वाला अज तक दस नहीं पाया। जां राहुल गांधी अगे वध के आ गए कहवे, जां कांग्रेस के लोग कहन कि राहुल गांधी ने जिहड़ा चोन मैनीफेस्टो के अंदर जिहड़े वादे किए उसे झूठे। सब तो पहला इहदी पृष्ठभूमि जिहड़ी है समझनी चाहिए है। असी लोकतांत्रिक तरीके नाल जुलूस कढ़ना, धरना लगाना और अपनियां मंगां रखना, ये हिंदुस्तान दे लोकतंत्र दी खूबसूरती और भारतीय जनता पार्टी दा एक पूर्ण विश्वास है। पहली गल तो यह है कि जदों किसान दे अंदोलनकारियां दे विचकार, किसान जथेबंदियां और केंद्र दी सरकार दे विचकार टेबल ते सुखत वातावरण दे अंदर बातचीत शुरू हो चुकी सी। 13 तरीक नूं पहला दौर 7 घंटे की गलबात हुई है। मैनूं लगदा है कि उस वेले जथेबंदियां नूं अपने अंदोलन नूं थोड़ी देर लई विश्राम देना चाहीदा सी, तां कि गलबात जिस वातावरण च हुई है, उन्होंने बाहर आके आपे भी चर्चा की कि बड़े सुखत वातावरण च तीन मंत्री 7 घंटे बैठे ने और अगला भी 3 तरीक नूं उन्हां नूं सादा आया होया। ये उहदे च ही तय होया सी कि एक दौर च नहीं, दो बारी, तीन बारी, जिन्ने बारी बैठना पेगा, केंद्र दी सरकार बैठन नूं तैयार है और किसानां दे मन च जिहड़ियां शंका शुभा हैगे ने जिहड़ियां उहनां दीआं नूं दूर कीता जाएगा। उहदे बावजूद भी मैनूं लगदा है अंदोलन दा दी रूपरेखा दे अंदर उहनां नूं ने अपनी नूं जारी रख्या। लेकिन हर एक जब तक सवाल प्रश्न तुसी कीता, हर एक स्टेट दा दे कोल इनपुट रहिंदे ने और किसान, मैं कल भी जथेबंदियां दे प्रमुखां नूं सब नूं सुन रहा सी, उन्होंने कहा कि जिथे सानूं रोकिया जाएगा असीं उत्थे ही बैठ के अपना लोकतांत्रिक तरीके नाल अमन और शांति दे नाल धरना देंगे। मैनूं अज भी ये लगता है कि किते ना किते शरारती तत्व जिहड़े पंजाब दा जां इस देश दा दी अमन और शांति जिहड़ी है उहनूं देखना नहीं चाहुंदे। वो लोग इन्हां एजुटेशनां दे आड़ दे अंदर इहदा लाभ लै के वातावरण खराब करदे ने और किसान, मैं सवेरे भी सुन रहा सी कि जिथे सानूं रोकता जाएगा ही बैठ जाएंगे और अगर किसी सरकार ने उन्होंने रोकया उहदे कोल अपना इनपुट हो सकता है, करोना की महामारी के कारण भी हैगा और उन्होंने अपना अंदोलन उत्थे शुरू कर देना चाहिए शांतिपूर्वक। अंदोलन चलाने वालों नूं भी ये राजनीतिक पार्टियां तो बचना चाहिए। जदों भी टेबल ते गलबात शुरू हो जाती है, जदों तक वो गलबात दा सिट्टा नहीं निकलता जां वार्ता टुटदी नहीं है, तद तक अंदोलन दे स्वरूप बदलते हैं और किसान यूनियनों भी अपने अंदोलन दा स्वरूप बदलना चाहिए सी, क्योंकि पहला दौर उन्हां दी गलबात हो गया, उस तो बाद आपे उन्होंने कहा कि अं दोबारा बैठांगे, एक बारी च सिट्टे ही नहीं निकलते होंगे, दूजी बारी भी बैठांगे, तीजी बारी बुलाएंगे, तीजी बारी केंद्र सरकार तो बुला ही रही है बार बार, तो इस करके मैं लगता उन्होंने स्वरूप बदलना चाहिए और राजनीतिक पार्टियां नूं रोटियां ना सेकन देन ऐसा वातावरण। पर ये पंजाब दी सरकार वो है जिहड़ी ऑलरेडी ये सारे कानून अपनी विधानसभा च पास कर चुकी है, करना उन्हें रद्द। जिहड़ा मंडी एक्ट के तहत प्राइवेट मंडियां नूं इन्होंने परमिशन दी हुई है, जिहड़ा बाकी सारे सेम उही कानून है। ये कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी नूं कहे ना माफ़ी मंगे, उन्होंने अपने चोन मैनीफेस्टो की होंगे, चोन मैनीफेस्टो चोन मरोड़ मैनीफेस्टो होंगे, जिहड़े मेरी सरकार बनाओगे तो मैं वह कराँगा। तो इन साढ़े जिहड़े कानून तीन आए हैं उन्होंने तो उहदे च की अंतर है, ये कोई कांग्रेस वाला अज तक दस नहीं पाया। जां राहुल गांधी अगे वध के आ के कहवे
या कांग्रेस के लोग कहन कि राहुल गांधी ने जिहड़ा चोन मैनीफेस्टो के अंदर जिहड़े वादे किए से झूठे सी, इस करके केवल खोखली राजनीति कर रहे ने। ये कभी भी किसान हतेशी लोग नहीं है, कांग्रेस ने कभी भी किसानों का हित नहीं किया। मुख्यमंत्री जी पहले 90,000 करोड़ रुपया माफ कर दें ना किसानों का, इस करके एक केवल ए केवल किसान यूनियनों इस गल नूं समझना चाहिए कि पोलिटिकल पार्टियां जिहड़ियां पंजाब दे अंदर, चाहे वह आम आदमी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कम्यूनिस्ट ने, चाहे दूसरे लोग ने, वह इहदा नजायज़ फायदा ना उठाण। और इस करके वार्ता चलते हुए अंदोलन का स्वरूप बदलने की गल आती है कि संकेतिक रूप के अंदर अंदोलन चलता रहे और गलबात भी चलती रहे। और ऐसी लाइन के उत्ते उन्होंने सोचना चाहिए, ये अंदर ही पंजाब का भला, इस ही किसानों का भला, ये ही पंजाब का अमन और शांति जी बनी रह सकती है। और मैं थोड़े माध्यम नाल भी किसानों अपील करना, थोड़ी गलबात का दौर चालू हो चुके हैं, तुहानू उस नज़रिए वल जाना चाहिए। और केंद्र की सरकार की संवेदनशीलता उत्ते कोई शक नहीं कर सकता। मैं अज तक इतिहास कढ़ के दसो कि डेपुटेशन दार्ता 7 घंटे चलिया, 7 घंटे 3 मंत्री, खेतीबाड़ी मंत्री, रेल मंत्री, इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल बैठ रहे ने, नरेंद्र तोमर जी बैठ रहे ने, सोम प्रकाश जी बैठ रहे ने, 7 घंटे सुनिया जा रहा। अगे भी उन्होंने 3 तरीक न बुलाया, सब लोग जान और जितों गलबात जी अगे बढ़ाना चाहिए और जो किसान के हित है वो सरकार करेगी। T5 चैनल पंजाबी पूरे सब्सक्राइब करो, बैल आइकन पे क्लिक करो। किसान जथेबंदियां और केंद्र दी सरकार दे विचकार टेबल ते सुखत वातावरण दे अंदर बातचीत शुरू हो चुकी सी। 13 तरीक नूं पहला दौर 7 घंटे दी गलबात हुई। मैनूं लगदा है कि उस वेले जथेबंदियां नूं अपने अंदोलन नूं थोड़ी देर लई विश्राम देना चाहीदा सी। उहदे च तय होया सी कि एक दौर च नहीं, 2 बारी 3 बारी जिन्ने बारी बैठना पेगा, केंद्र दी सरकार बैठन नूं तैयार है। और किसानों के मन च जिहड़ियां शंका शुभा हैगे ने जिहड़ियां उहनां दीआं नूं दूर किया जाएगा। किते ना किते शरारती तत्व जिहड़े पंजाब दा जां इस देश दा दी अमन और शांति जिहड़ी है उहनूं देखना नहीं चाहते। केंद्र सरकार तां बुला ही रही है बार बार, तो इस करके मैं लगता उन्होंने स्वरूप बदलना चाहिए और राजनीतिक पार्टियां नू रोटियां ना सेकन देन ऐसा वातावरण पर। तो इन साढ़े जोड़े कानून 3 आए हैं उन्होंने तो वो की अंतर है, ये कोई कांग्रेस वाला अज तक दस नहीं पाया, या राहुल गांधी अगे बद के आ गए कहे, या कांग्रेस के लोग कहन कि राहुल गांधी ने जोड़ा चोन मैनीफेस्टो के अंदर जोड़े वादे किए उसे झूठे। T5 चैनल पंजाबी पूरे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।